क्वेश्चन नंबर 156 में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में एक थिन डिस्क है जिसका मास m है और रेडियस r है और वो रोटेट कर रही है अपने हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर, ये डिस्क है और ओमेगा के साथ रोटेट कर रही है, ये क्वेश्चन में गिवन है। एक और डिस्क जिसका मास कितना है, m बाय 2 है और रेडियस r ही है इसका भी, इसके ऊपर प्लेस कर दिया कोएक्सियली, न्यू एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी सिस्टम की, ये आपको निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू, यही रूल है। तो पहले आई वन के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है, डिस्क का, अकेली डिस्क थी, हाफ एम आर स्क्वायर, और किसके साथ रोटेट कर रही थी, विद ओमेगा, आई ओमेगा हो गया। फिर क्या हुआ, डिस्क के ऊपर एक और डिस्क रख दी, तो पहले डिस्क का आई कितना है, हाफ एम आर स्क्वायर, दूसरे डिस्क का आई कितना है, हाफ एम बाई टू आर स्क्वायर, क्योंकि दूसरी डिस्क का मास एम नहीं है, दूसरी डिस्क का मास कितना एम बाई टू है, तो हाफ एम बाई टू, ये हाफ एम बाई टू इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश, सॉल्व करके ओमेगा डैश निकाल लेना आंसर है। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, हमने लास्ट टाइम ऐसे केस किए थे, आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू, बस नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों डिस्क का ऐड हो जाएगा, पुराने डिस्क का मास m है, नए डिस्क का मास m बाई टू है, तो आप इस हिसाब से अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर वन क्लियर है कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है, कोई डाउट इसमें, मेथड में कोई डाउट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 157 हमने किया हुआ है, ये होमवर्क है, जिसके अंदर हमने कहा था एक प्रोजेक्टाइल की तरह एक बॉडी जाएगी और टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्या निकालें, एंगुलर मोमेंटम, तो क्या होता था, एम वी कॉस थीटा इंटू मैक्सिमम हाइट, मैंने आपको मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जब निकालना सिखाया था तो उसके अंदर मैंने ये मेंशन किया था, तो ये होमवर्क है प्लीज, हमने किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होमवर्क है, एक रिंग है, रिंग के साथ दो मासेज हैं, छोटा एम और छोटा एम, तो आपको सेम कॉन्सेप्ट लगाना है कि वो मासेज कहाँ पर अटैच किए गए, डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड्स पे। पहले अकेली रिंग घूम रही है, अब रिंग के साथ दो पॉइंट मासेज भी घूम रहे हैं, तो फिर से क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, आई वन ओमेगा वन इज आई टू ओमेगा टू, क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, तो ये भी होमवर्क है, मतलब मैं वो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाला जो लास्ट लेक्चर के साथ जो है जिसके साथ लिंक है, तो जो क्वेश्चन लास्ट लेक्चर के बेस पे है वो आपका होमवर्क है, जो नए क्वेश्चन है वो आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर, ये भी होमवर्क है, लास्ट लेक्चर के ऊपर बेस्ड है, ये होमवर्क है, मैं आपको एंड में मार्क भी करूंगा सारा होमवर्क, ये करो, ये वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये डिफरेंट है, इसको करेंगे 161 को, एक बार ट्राई करें। क्वेश्चन है, एक मास कैपिटल एम है और वो एक स्ट्रिंग से अटैच्ड है और वो गोल घूम रहा है विद ओमेगा, ये कुछ कुछ कॉनिकल पेंडुलम की तरह डायग्राम है, कॉनिकल पेंडुलम ऐसा लेंथ एल है, ये कॉनिकल पेंडुलम की लेंथ एल है और मास कैसे घूम रहा है, ऐसे मास घूम रहा है, राइट, आर रेडियस में मास घूम रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ मास m अबाउट पॉइंट a इज l a, वो कह रहे हैं अगर मैंने इस मास घूमते हुए मास का एंगुलर मोमेंटम निकाला और किस पॉइंट के अबाउट, पॉइंट a के अबाउट, तो एंगुलर मोमेंटम l a है, और अगर मैंने b पॉइंट के अबाउट निकाला, ये इस b पॉइंट के अबाउट निकाला, तो एंगुलर मोमेंटम l b है, l a है, l b है, आपको कुछ ऑप्शंस बतानी है, क्या ऑप्शंस करेक्ट हैं, ऑप्शन बाद में पढ़ते हैं,
कुछ क्वेश्चंस का आंसर दो। पहला, अगर सपोज करो ये देखो, ये आपकी बॉडी ऐसे घूम रही है हॉरिजॉन्टल सर्कल में, राइट। स्ट्रिंग तो चलो ठीक है, यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे, ऐसे करती जा रही है। इस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम कितना है? एम वी। और एम वी कैसे होगा? टेंजेंशियल। एम वी कैसे होगा? टेंजेंशियल, राइट। क्लियर है पॉइंट नंबर वन आपका। अगर पॉइंट ए, यहां पे ये पॉइंट ए है, सेंटर पॉइंट है ए, तो सेंटर पॉइंट से इस एम वी की दूरी कितनी है? हमेशा आर। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सिस। तो क्या बोलेंगे इसमें? लीनियर मोमेंटम कितना है? एम वी। और डिस्टेंस कितना है इसका? परपेंडिकुलर आर। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? एम वी आर। यहां पे क्या होगा? एम वी आर, एम वी आर। तो एक बात तो पक्की है, एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा क्योंकि उसकी दूरी एक्सिस से सेम है। पॉइंट नंबर वन क्लियर है। अब ये बताओ, क्या एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है कि स्केलर? वेक्टर है। तो बोलो डायरेक्शन चेंज होगी कि नहीं होगी? जबकि पी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो क्या एल की डायरेक्शन चेंज होगी कि नहीं होगी? सकती नहीं है, वो है या नहीं है, एक ही चीज है। होगी। कितने लोग बोलते हैं डायरेक्शन चेंज होगी एल की? होगी। कितने लोग बोलते हैं कि नहीं चेंज होगी? अच्छा, एल की डायरेक्शन निकलती कैसे है? पहले तो ये पॉइंट है। हाँ, ऐसे निकलती है, राइट। तो ये लो, ये मैंने पार्टिकल को घुमाया, मेरा थंब तो वहीं पर है, थंब तो वहीं है ऊपर, एल की डायरेक्शन चेंज ही नहीं होगी। तुम कैसे भी घुमा लो, एल वेक्टर हमेशा कैसे आएगा? अपवर्ड। इसका मतलब अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, एल वेक्टर तो हमेशा ऊपर ही है, तो एल का ना मैग्नीट्यूड चेंज होगा, ना एल का, एल की डायरेक्शन चेंज होगी पॉइंट ओ के अबाउट, ए के अबाउट। चलो क्वेश्चन रिपीट करते हैं। पॉइंट अब बी ले लो, ये रहा पॉइंट बी। अब बी के अबाउट एक पार्टिकल घूम रहा है, इसका लीनियर मोमेंटम कितना है? एम वी। तो टॉप मोस्ट पॉइंट से इसकी दूरी कितनी है? एल। ये रही एल। एंगुलर मोमेंटम बोलो क्या होगा? एम वी इंटू जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। ये बताओ, अगर चलो मैं एक मिनट के लिए एम वी इंटू एल भी ले लेता हूँ, कोई बात नहीं, एम वी इंटू एल। जब ये पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो भी एम वी इंटू एल, जब यहाँ पे आएगा तो भी एम वी इंटू एल, एम वी इंटू एल। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा। बी पॉइंट के अबाउट भी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू सेम रहेगी। अच्छा, डायरेक्शन बोलो, डायरेक्शन चेंज होगी कि नहीं होगी? हमेशा ऐसे नहीं लगाना, ऐसे तब लगाना है जब पार्टिकल ऐसे घूम रहा है और एक्सिस ये रहा। अब तुम्हारा पॉइंट ये रहा, अब तुम क्या करोगे इसमें? इमेजिन करें ये मेरा हाथ है, एल वेक्टर देख रहे हो, ये एल वेक्टर नीचे है, ये रहा पी वेक्टर, एल वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर इस तरफ, एल वेक्टर टेढ़ा देखो, एल वेक्टर लेंथ जो है टेढ़ी, एल वेक्टर और पी वेक्टर ये रहा क्रॉस पी वेक्टर इस तरफ। और जब ये पार्टिकल इधर आ गया तो मेरा एल वेक्टर ये रहा, ये मेरा एल वेक्टर है, क्रॉस पी वेक्टर इधर। जब मैं इधर ले रहा हूँ तो एंगुलर मोमेंटम इधर, जब मैं इधर ले रहा हूँ एंगुलर मोमेंटम इधर। तो बी पॉइंट में एल वेक्टर अपने डायरेक्शन क्या कर रहा है? चेंज। अब देख लो आंसर क्या है, सी ऑप्शन है, कुछ करना ही नहीं है, एल बी की तो बात ही नहीं करनी, एल ए का आंसर आया पड़ा है। मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। वो तो मैंने आपको वैसे बता दिया कि एल बी के बारे में कैसे सोचना है, एल ए के बारे में कैसे सोचना है। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है, कैसे सोचना है, समझ में आ रहा है? ठीक, डायरेक्शन के ऊपर क्वेश्चन था वैसे ये। होमवर्क है सिंपल, एम वन वी आई वन ओमेगा वन आई टू ओमेगा टू। होमवर्क है ये भी, ये लो। मैंने ये क्वेश्चन ट्राई नहीं किया, मैंने पहली बार देखा आज ही से, मतलब मैंने ठीक है पी वाई क्यू में देखा ही नहीं, मैंने इसे आज ही ट्राई किया। तो इसका आंसर आता ही नहीं आता, वो आपको देखना पड़ेगा, मैं एक बार मेथड डिस्कस कर देता हूँ। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लें प्लीज़, क्वेश्चन पढ़ लें।
देखो ये क्वेश्चन है, देखो ये सबसे एंगुलर मोमेंटम की कैटेगरी में सबसे जो ट्रिकी क्वेश्चन है मेरे ख्याल से वो यही है पूरे असाइनमेंट में। इसके अंदर क्या गिवन है, यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है यूनिफॉर्म रॉड है आपके सामने है। इस यूनिफॉर्म रॉड की लेंथ एल है और एंगल इसका वर्टिकल के साथ थीटा है, सही है। अब वो कह रहे हैं कि ये ना ओमेगा के साथ घूम रहे हैं, ये रॉड ऐसे घूम रही है, मतलब ये रॉड ऐसे घूम रही है कॉनिकल पेंडुलम की तरह ऐसे घूम रही है, एंगल थीटा बना रही है। टू फाइंड थीटा, मैं थीटा निकालना चाहता हूं, इक्वेट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये क्या होता है टॉर्क। कैसे, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्या है एल, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी है इसमें एल, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंसेशन होती है फर्स्ट लेक्चर कैलकुलस, और इसी को क्या बोलते हैं टॉर्क। तो इसका मतलब वो इनडायरेक्टली टॉर्क की बात कर रहे हैं, और वो क्या कह रहे हैं टू फाइंड थीटा इक्वेट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मतलब कि टॉर्क और डायरेक्शन गोइंग इनटू द पेपर, और ये टॉर्क है अबाउट द सेंटर ऑफ मास। टॉर्क कैसे निकालना है अबाउट सेंटर ऑफ मास, टू द टॉर्क प्रोवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस एफ वी और एफ एच अबव अबाउट द सेंटर ऑफ मास, तो थीटा क्या होगा। वो टॉर्क दे रहा है आपको, वो ये कह रहा है कि तुम पहले वर्टिकल फोर्स का टॉर्क निकाल लो, तुम हॉरिजॉन्टल फोर्स का टॉर्क निकाल लो, फिर जो भी नेट टॉर्क आएगा वो इसके इक्वल कर लो और थीटा निकाल लो। अब तुम्हें क्या करना है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का टॉर्क निकालना है, और फिर ये देखना है। और ये क्वेश्चन एल का नहीं है, एंगुलर मोमेंटम का नहीं है, ये क्वेश्चन टॉर्क का क्वेश्चन है। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। करें स्टार्ट। तो इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में ये करके देख लेना एक बार, आपको कुछ ऐसे करना है कि अगर आपके पास ये वर्टिकल है और लेट अस सपोज ये रॉड है, रॉड का एंगल कितना है थीटा है, रॉड का एंगल थीटा है, लेंथ रॉड की कितनी है एल है, सेंटर ऑफ मास रॉड का कहाँ मिलेगा मुझे, सेंटर ऑफ मास पे, सेंटर ऑफ मास का मतलब ये डिस्टेंस कितना है एल बाय टू पे, मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऐसे, ये पूरा अरेंजमेंट घूम रहा है विद ओमेगा, पूरा अरेंजमेंट रोटेट कर रहा है विद ओमेगा, सही है। इसके अंदर एक फोर्स वर्टिकल फोर्स है, ये आपकी वर्टिकल फोर्स है, ऊपर नहीं है नीचे है, और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, हॉरिजॉन्टल फोर्स में ये इसलिए बाहर है क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल काम कर रही है, ठीक है। और सारा कुछ उसने क्या बोला, कहाँ लेने को कहा, सेंटर ऑफ मास पे। तो सेंटर ऑफ मास पे अगर ये डिस्टेंस एल बाय टू है तो ये जो डिस्टेंस है ये आएगा एल बाय टू साइन थीटा, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना आएगा एल बाय टू कॉस थीटा, सही है यहां तक। अब जो वर्टिकल फोर्स है उसका वेट कितना है mg, वर्टिकल फोर्स तो वेट mg है, और हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या है, जो भी मास है m इंटू कितने रेडियस में ये घूम रहा है l बाई टू साइन थीटा, जो रेडियस है उसकी वैल्यू किसके इक्वल है l बाई टू साइन थीटा। और इसके अंदर अगर मुझे इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रही है, और अगर मुझे यहाँ पर सेंट्रिफ्यूगल, अगर मैं बात करता हूँ एक मिनट के लिए, सेंट्रिफ्यूगल फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर होती है तो सबको पता है, और रेडियस कितना है एल बाई टू साइन थीटा, तो लिख लेता हूँ एल बाई टू साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये कौन सी फोर्स है हॉरिजॉन्टल, और ये कौन सी फोर्स है वर्टिकल। तो मैंने पहले सबसे पहले दो फोर्सेस को निकाल लिया, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ठीक। अब एक काम करते हैं, अपने अपने टॉर्क है, हॉरिजॉन्टल का टॉर्क क्या निकलेगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स कितनी है ये री, हॉरिजॉन्टल का टॉर्क क्या निकलेगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सिस,
तो क्या निकलेगा, ये जो फोर्स है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस कितना है, एल बाई टू कॉस थीटा, और इसका टॉर्क क्या निकलेगा, एम जी इंटू एल बाई टू साइन थीटा, एम जी इंटू एल बाई टू साइन थीटा। फोर्स वर्टिकल है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस में मिलेगा, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब प्रॉब्लम यह है कि आपने टॉर्क निकाल लिया, सही है, डायरेक्शन बोलो टॉर्क की कहाँ है, आओ आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ शुरू करें। अगर फोर्स हॉरिजॉन्टल है और ये आर वेक्टर देख रहे हो, ये नीचे की तरफ मान लो आर वेक्टर है, ऐसे आर वेक्टर है, तो आर क्रॉस एफ कहां में निकलेगा, बाहर, तो ये टॉर्क कहां जनरेट कर रहा है, बाहर, सही। अगर इसकी बात करते हैं, इसका आर वेक्टर कहां है, ये आर वेक्टर है, फोर्स कहां पर है, यहां पर, तो इसका आर क्रॉस एफ ऐसे बनेगा, आर क्रॉस एफ कहां बनेगा, अंदर, देखो ना, ये आर वेक्टर लो, ये आर वेक्टर है, आर क्रॉस एफ इस हॉरिजॉन्टल फोर्स का बाहर, और इस केस में आर क्रॉस एफ वर्टिकल का अंदर। नेट टॉर्क क्या होगा, बड़े टॉर्क में से छोटे टॉर्क को माइनस, माइनस करके नेट टॉर्क आपको क्वेश्चन में मेंशनड है, गिवन है, इक्वेट कर लेना और फिर जो निकालना है निकालते रहना। कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या करना है, पॉइंट समझ में आ रहा है करना क्या है, तो आपको नेट टॉर्क निकालना है, नेट टॉर्क निकाल के इक्वेट करना है और वहां से इसकी वैल्यू को निकालना है। तो एक बार इसे एक बार ट्राई कर लेना, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, और उसके बाद फिर ट्राई करना, होमवर्क है, और क्या ही बोल सकता हूँ मैं तुम्हें। हाँ ये सही, इसे क्वेश्चन बहुत सही पूछा है इसने, बड़ा सही क्वेश्चन पूछा इसने, कहा नेट टॉर्क की डायरेक्शन कहाँ है, इन टू द पेपर। क्या फायदा इस स्टेटमेंट का, फिर से द्वारा, नहीं कुछ और, कौन सा टॉर्क बढ़ा है, इन टू द पेपर बोलो, कौन सी फोर्स इन टू द पेपर टॉर्क निकाल रही है, एम जी, ये देख रहे हो आर क्रॉस एफ बोर्ड अंदर, तो एम जी का टॉर्क बढ़ा है और हॉरिजॉन्टल का टॉर्क छोटा है, तभी तो नेट टॉर्क अंदर है। अब माइनस करना ईजी है, टॉर्क कितने है, हॉरिजॉन्टल टॉर्क, अब इसको छोड़ो, नेट टॉर्क निकालते हैं, नेट टॉर्क कितना है, एम जी इंटू कितना, फोर्स इंटू वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, एल बाई टू साइन थीटा, माइनस उसका टॉर्क कितना है, एम इंटू एल बाई टू साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एल बाई टू कॉस थीटा। और आपको ये टॉर्क की वैल्यू क्वेश्चन में मैंशनड है, टॉर्क की वैल्यू आपको गिवन है इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आराम से घर पे जाना और इसको सॉल्व करना और फिर थीटा जो भी निकालना है निकालना या कॉस थीटा निकालना। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है, कोई डाउट इसमें, ठीक। मैं सिर्फ वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ 5-7 जो मुझे लगते हैं, कहीं डाउट आ सकते हैं या कहीं आपका टाइम खराब हो जाएगा, मैं उतना ही कर रहा हूँ। बाकी इजी क्वेश्चन जितने भी हैं जो लास्ट लेक्चर के बेस हैं, वो सारे के सारे आपके आज होमवर्क ही होंगे, मंडे तक करके लेके आने हैं, वो एकदम स्मूथ हैं, वो आराम से होंगे। आई वन ओमेगा वन आई टू ओमेगा टू लगाते हैं, आंसर आ जाएगा, क्लियर है यहाँ तक, इसको ट्राई करना। नेक्स्ट, नेक्स्ट के अंदर इसको कैसे करेंगे देखो, तो इसमें क्या करें, कोई मेथड बताएगा क्या निकालना है, एल निकालना है, पूरी की पूरी फिगर ही रोटेट कर रही है एक्सिस के अबाउट,
तो यानी कि जब ये पूरा यहाँ पलटेगा, हर पार्टिकल, ये पॉइंट मासेस है चार के चार, इन पॉइंट मासेस का ओमेगा क्या रहेगा? सेम। तो तुम एक काम करो, इसके अंदर इस एक्सिस को मानते हुए इस पॉइंट मास का ये डिस्टेंस निकाल लेना, ये पॉइंट मास तो एक्सिस पे ही है, ये पॉइंट मास का डिस्टेंस निकालना, इस पॉइंट मास का डिस्टेंस निकालना, और फिर क्या निकालना, तीनों आई वन आई टू आई थ्री निकालना। तो तीन तीन एंगुलर मोमेंटम्स आएंगे इसमें, क्योंकि आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आई वन ओमेगा, आई टू ओमेगा, आई थ्री ओमेगा। तो इस पॉइंट मास का तो मोमेंट इनर्शिया जीरो ही है, इस पॉइंट मास का एम इंटू एल बाई रूट टू का स्क्वायर है, इसका एम इंटू एल बाई रूट टू का स्क्वायर है, इसका एम इंटू एल बाई रूट टू का स्क्वायर है, हाफ दी डायगनल के पैरेलल है ये। तो फिर आई इंटू ओमेगा कर देना, तीनों का अलग अलग ऐड कर देना आंसर आएगा, और ओमेगा सेम, एल सेम रहेगा। कोई बताएगा इसमें एल की डायरेक्शन क्या है? एल की डायरेक्शन क्या है? चलो पूछी नहीं है, पूरे को तीनों के तीनों घूम रहे हैं इस एक्सिस को मानते हुए, एक्सिस एल का है। अच्छा, कितने लोगों को यह बात पता है इस डॉटेड लाइन के अलोंग एक्सिस होगा? हाँ या ना? एक्सिस तो एल तो एक्सिस के ऊपर ही निकलते, तो घुमा लो यार चार अपने फिंगर ऐसे घुमा लो, जब ये घूमेगा तो ऐसे घूमेगा, एल वेक्टर ऐसे नहीं आएगा। ये लो पूरी के पूरे फिगर को घुमा के दिखाते हैं, देखो ये देखो ये देखो, चलो उल्टा कर देते हैं, ये लो ये लो ये लो ये लो, ये कोने का एक्सिस है मान लो, ये कैसे घूम रहा है? अच्छा ठीक है, उल्टा घूम रहा है, ओके। तो ये ऐसे घूम रहा है, तो अगर ये ऐसे घूम रहा है तो फिर ये ऐसे घूम रहा है तो ऐसे ऊपर जाएगा, डॉटेड लाइन के साथ जाएगा और ऐसे जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? यहाँ तक पूछा नहीं उसने, मैंने आपसे पूछ लिया, कल को पूछ भी सकते हैं एल वेक्टर कैसे होगा। समझ में आ रहा है? मैग्नीट्यूड निकालने में प्रॉब्लम थोड़ी ना एल वेक्टर में, सारी गेम है डायरेक्शन की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है निकालनी। ये लो के अंदर, इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताए क्या है, मतलब आप एक एक्सपेक्टेशन देखो फिजिक्स में, पहले बंदा स्टेटमेंट पढ़ेगा, सही इंटरप्रेट करेगा और फिर फिगर भी खुद ही बनाएगा और फिर लगाएगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एक्सपेक्टेशन थोड़ी हाई है फिजिक्स से। तो क्वेश्चन है कि आपके पास एक यूनिफॉर्म रॉड है, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कॉम्पिटिशन की, बहुत लोग जो थोड़े कच्चे उतर के जाते हैं बिना प्रैक्टिस के, आधे क्वेश्चन थोड़े बहुत एनसीईआरटी कर भी जाते हैं, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है जी, एम एल स्क्वायर बाई 12, आंसर कर आए भाई। हर क्वेश्चन में देखो तो सही, कभी डिस्क का मास चेंज करे जा रहा है, कभी रॉड का मास चेंज करे जा रहा है, इस बार रॉड का मास कितना है? 4m। तो जब तुम रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाई चांस लगाते भी हो एम एल स्क्वायर बाई 12, तो m मत पुट करना, 4m एल स्क्वायर बाई 12 पुट कर देना, जल्दबाजी में मत करना, सही है? आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो कह रहे हैं एक पॉइंट मास है जो इसको हिट करता है कुछ ऐसे कोने पे हिट करता है एट एन एंगल ऑफ 45। ये रॉड यहाँ पर पिवटेड है, हिंज्ड है, दोनों एंड्स आर फ्री टू मूव, घूम सकते हैं। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हुआ? सेंटर, कोना नहीं हुआ। कोई बोला कि कोने पे हिट किया तो कोना हो गया, ऐसे कैसे कोना हो गया? हिंज्ड कहाँ पर है? सेंटर से। फ्री टू रोटेट है तो एक्सिस कहां से पास करेगा? सेंटर से। क्लियर है पहली चीज? दूसरी चीज, इसके अंदर एक पॉइंट मास आता है,
इसको बिल्कुल 45 डिग्री पे लॉन्ग एक्सेस, इसके पैरल जो एक्सेस है इसके साथ इसको हिट करता है और चिपक जाता है। चिपक के रॉड घूमती है, रॉड का ओमेगा निकालो। ये कोलिजन की प्रॉब्लम है, और मैंने बोला था किसी भी रोटेशनल मोशन की कोलिजन में सबसे पहला स्टेप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है। एम वी आर इज इक्वल टू आई ओमेगा, किया था वो लास्ट टाइम, एम वी आर इज इक्वल टू आई ओमेगा, तो रॉड घूमती थी, सेम है। ये देखो, ये आपके पास वेलोसिटी वी है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, और इसका मोमेंटम क्या होगा, इसका मोमेंटम ऐसे ड्रॉ कर लें, ये रहा इसका मोमेंटम कितना है, एम वी, इसका मोमेंटम है एम वी, ये एंगल कितना है 45। तो इस लीनियर मोमेंटम के दो कंपोनेंट्स हैं, एम वी कॉस 45 और इस तरफ एम वी साइन 45, सही है यहाँ तक। अब ये बताओ, ये मोमेंटम इस रॉड के अलोंग काम कर रहा है, क्या ये रॉड को घुमा पाएगा? जब तुम रॉड के कोने में यहाँ धक्का मारी जाओगे तो रॉड घूमेगी? बिल्कुल नहीं घूमेगी। तो ये एंगुलर, ये लीनियर मोमेंटम इसमें एंगुलर मोमेंटम जनरेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आर पी साइन जीरो हो जाएगा, तो इसमें ये घुमा नहीं पाएगा। कौन घुमाएगा? ये घुमाएगा, ये घुमाएगा। लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इसका, एल बाई टू। तो फिर एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट मास ने कितना लगाया, एम वी कॉस 45 इंटू एल बाई टू। पहला स्टेप क्लियर है? ये स्टेप समझ में आ रहा है कि हमने कॉस क्यों लिया, साइन क्यों नहीं लिया? क्योंकि साइन रॉड के अलोंग काम करेगा जो एल जनरेट नहीं कर पाएगा। कौन करेगा? जो इसके परपेंडिकुलर है। तो इतना जनरेट हो गया एल। अब हुआ क्या, पॉइंट मास चिपक गया, रॉड एंड पॉइंट मास दोनों ने घूमना शुरू किया। रॉड का आई कितना है, रॉड का आई कितना है इसमें, एम 4m एल स्क्वायर बाय 12, और पॉइंट मास का कितना है, पॉइंट मास की दूरी कितनी है यहाँ से, l बाई टू, तो पॉइंट मास का कितना है, m इंटू एल बाई टू का स्क्वायर, तो i इंटू ओमेगा। एम वी आर इज आई ओमेगा ही लगाया है, बस लगाने का तरीका चेंज हो गया, सॉल्व करके ओमेगा निकालने का आंसर आ जाएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका, कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है कि एम वी के, देखो हमने ना रॉड का जो क्वेश्चन किया हमने भी कोलिजन पर, मैंने आपको आसान क्वेश्चन करवाया था कि रॉड के हमेशा 90 डिग्री पे ही हिटिंग होती है, और तो कोई बात नहीं होती तो ना सही, एक वेक्टर ड्रॉ कर लो, उसके उसके कंपोनेंट्स ले लो, एक रॉड के अलोंग जो एल में जनरेट नहीं करेगा और एक उसके परपेंडिकुलर जो एल में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, तो आंसर आ गया। मेथड समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक, ये होमवर्क है सारा, चिंता ना करो, मार्क करवाऊंगा, सब दोबारा से करना है आपको अच्छे से। नेक्स्ट होमवर्क है, बहुत आसान क्वेश्चन है, होमवर्क है, आसान क्वेश्चन है, ये रहा।
क्वेश्चन है कि टाइम डिपेंडेंस ऑफ पोजीशन कितनों का हो गया, क्या अच्छा ओके क्या आंसर इसका ए है। करना क्या है इसमें, एम पता है, आर वेक्टर पता है, टाइम की फॉर्म में क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। क्या इसमें आई ओमेगा लग सकता है, तुम्हें कहीं ओमेगा दिख रहा है? नहीं दिख रहा। हाँ, आर वेक्टर से तुम वी वेक्टर तो निकाल ही सकते हो, तो ऑब्वियसली क्या लगेगा, लीनियर मोमेंटम वाला लगेगा, आर इंटू पी वाला लगेगा, आर क्रॉस पी लगेगा। दो ही फॉर्मूले हैं एल निकालने के, या तो आई ओमेगा या आर क्रॉस पी, तो इसमें आर क्रॉस पी लगाएंगे क्योंकि पी क्या होता है, एम इंटू वी वेक्टर। तो इसके अंदर पहले आप वी वेक्टर निकालेंगे, आर वेक्टर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वी वेक्टर आएगा, फिर आर क्रॉस पी करेंगे, पी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, एम इंटू वी वेक्टर, एम बाहर आ गया तो आर क्रॉस वी वेक्टर, आर वेक्टर पता है, वी वेक्टर पता है, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, करके देखना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट से ही आंसर आएगा, और जो फाइनल आंसर आएगा उसमें टाइम को क्या पुट करेंगे, टू आंसर आएगा, क्योंकि आपको 2 सेकंड पे एंगुलर मोमेंटम निकालना आंसर आएगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है सबको, क्या लॉजिक है? तो आर क्रॉस पी वेक्टर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हो जाएगा ये क्वेश्चन। मैं सारे होमवर्क देने वाला हूँ, चिंता ना करो, ये सब द्वारा करने हैं आपको, आप सिर्फ मेथड डिस्कस करो कि इसमें ये करेंगे और ये लगा के देखेंगे, राइट। नेक्स्ट ये नहीं करना, वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं वर्क पर एनर्जी में, करने की जरूरत नहीं है, होमवर्क है, वर्क एनर्जी पार्क का सिंपल क्वेश्चन है, ये लो, ये लो, इसे करो। क्वेश्चन तो किया था, एक रॉड को एक पॉइंट मास टक्कर मारता है, रॉड घूमती है, और यहां पर टक्कर मारने वाले कितने पॉइंट मासेस हैं, दो, तो कोई बात नहीं, एम वी आर इज आई ओमेगा तो लगना ही है, एम वी आर दो बार लगा लेना, एक बार पहले पार्टिकल का और एक बार दूसरे पार्टिकल का। अब आंसर करो, आगे आंसर नहीं करना, ट्राई ठीक है, मुझे एक एक करके कुछ पॉइंट्स का आंसर दें। पहला, एक पॉइंट मास है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, एक पॉइंट मास है 2m जिसकी वेलोसिटी क्या है, वी, एक पॉइंट मास है m जिसकी वेलोसिटी क्या है, 2v, इस रॉड को हिट करते हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ l/6 एंड l/3। ये रॉड घूमना स्टार्ट करती है, रॉड का घूमने का एक्सिस क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये जो रॉड है इसका खुद का मास कितना है, 8m, मैंने बोला था m तो लेता ही नहीं ना, 8m गिवन है, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है, ये इसे हिट करता है इसके साथ चिपक जाता है, ये इसे हिट करता है इसके साथ चिपक जाता है, फिर तीनों रॉड और दो पॉइंट मासेस इकट्ठे घूमते हैं विद ओमेगा, तो कॉन्सेप्ट तो लगेगा एम वी आर इज इक्वल टू आई ओमेगा। पॉइंट नंबर वन, ये पॉइंट मास जब इसे हिट करता है तो बोलो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या है इसकी, 2m इंटू वी लीनियर मोमेंटम,
लीनियर मोमेंटम इनटू इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, एल बाय सिक्स। कोई डाउट इसमें, आर इंटू बी, तो लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सिस। अच्छा इधर देखें, इसका लीनियर मोमेंटम कितना है, अगेन 2mv, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है एक्सिस से, एल बाय थ्री। तो 2mv इंटू एल बाय थ्री इज आई इंटू ओमेगा। बस मुझे ये बताओ कि ये दोनों पॉइंट मासेस के एंगुलर मोमेंटम को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। ऐड कैसे डिसाइड करती होगी, ऐड करें, ठीक है, ऑपोजिट है, नहीं ऑपोजिट है, ऑपोजिट से कैसे पता लगा, कोई बच्चा पूछेगा सर सेम होते तो इसको कैसे पता लग रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जब ये मास इसे टक्कर मारेगा तो रॉड कैसे घूमेगी, क्लॉकवाइज, और जब ये मारेगा तो भी क्लॉकवाइज, दोनों सेम डायरेक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एल की वैल्यू दोनों के डायरेक्शन में सेम होगी, तो ये क्या करेंगे इन्हें ऐड, और अगर कहीं एक मास क्लॉकवाइज और एक मास एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट, याद रखना इस चीज को ध्यान से। तो ये पॉइंट क्लियर है, आई की वैल्यू इसमें क्या होगी, आई, अब आई के लिए क्या करना पड़ेगा, आई के लिए आई की वैल्यू यहां पर क्या पुट करनी है, रॉड, रॉड का मतलब एम एल स्क्वायर बाय 12, लेकिन एम नहीं ना, 8m, रॉड का मास क्या है, 8m। फिर पॉइंट मासेस का, पॉइंट मासेस क्या है, एम नहीं 2m इंटू एल बाय 6 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है, एम इंटू एल बाय 3 का होल स्क्वायर। तो पॉइंट मास का m into l square ऐड करना पड़ेगा, यहां पुट करके निकाल लेना, आंसर आ जाएगा ओमेगा का। मेथड समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या है, मतलब रॉड का भी ऐड होगा और दो पॉइंट मासेस का भी इंक्लूड करना पड़ेगा तो आंसर आएगा। तो इसे नोट करेंगे, समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या है, ठीक है यहां तक। आंसर नहीं, वी आ तो रहा है लेफ्ट साइड पे, नहीं यहां पुट करना है आई पूरे का पूरा रिप्लेस करके इस जगह पे, वो मैंने जगह नहीं थी ना तो साइड पे आई कैलकुलेट किया है, वो पूरे का पूरा आई यहां पुट करके ओमेगा आएगा, अब आएगा आंसर। समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक है, ठीक है, होमवर्क है, कुछ ना होगा, मेरे से प्रिंट आउट ले लेना, पीपीटी ले लेना, कुछ ना होगा, होगा तब जब तुम घर जाके इसे फिर से सॉल्व करोगे और तुम्हारे हाथ पे चीज़ें बैठ जाएंगी और तुम्हें कोई बाहर पेपर पूछा जाएगा तो तुम एक मिनट में आंसर दोगे, भाई ये चाहिए, ठीक, और वो बार बार प्रैक्टिस से ही होगा ना, सुन के अगर भला होता किसी का तो फिर इतने साल से सुनाई तो रहे हैं, ठीक, खुद करना होता है जो करना है। ये लो, ये लो, ठीक है, मैं आपसे एक एक करके क्वेश्चन पूछता हूँ, इसमें आप स्टेप बाय स्टेप आंसर देना और आपका फाइनल आंसर आप निकाल लेना घर जाके। तो मेरा क्वेश्चन है, आपके पास ये क्या गिवन है, आपके पास ये एक फिगर गिवन है, ठीक है, इस फिगर के अंदर
ठीक है, इस फिगर के अंदर आपको एक पार्टिकल घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, ये देखो, पहले इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर घूमे जा रहा है। आपको क्या करना है, और साइड इस स्क्वायर का ए है, आपको इसमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है एल वेक्टर अबाउट पॉइंट ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट निकालना है। ठीक है, तो आपको एल वेक्टर निकालना है और वी स्पीड के साथ के घूम रहे हैं, आपको एल वेक्टर निकालना है अबाउट पॉइंट ओरिजिन। अब मुझे सिर्फ ये बताओ, जब ये पार्टिकल ए बी के अक्रॉस जाएगा, जब ये पार्टिकल ए बी के अक्रॉस जाएगा तो इसका लीनियर मोमेंटम क्या है, एम वी। लीनियर मोमेंटम क्या है, एम वी। तो एंगुलर मोमेंटम बोलो ए बी के अबाउट क्या बनेगा, चेक करता हूं, एल ऑफ ए बी वेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड बोलो क्या बनेगा, एम वी, एम वी इंटू मैग्नीट्यूड बोलो पहले, फोर्स इंटू डिस्टेंस, आर साइन की कॉस, आर साइन 45। कैसे किया, लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सेस। तो ये मेरा एक्सेस है, तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनेगा, अगर ये आर है तो ये आर साइन 45। तो क्या बनेगा, एम वी इंटू आर साइन 45। क्या इस स्टेप यहां तक क्लियर है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डायरेक्शन बोलो, के कैप आई चेक, क्योंकि के कैप आई कैप में बोल रहे हैं, माइनस के कैप, कितने लोग माइनस के कैप, माइनस के कैप। अच्छा, इसके लिए काम करो, मैग्नीट्यूड तो क्लियर है सबको, इसके लिए काम करो, आप बस मुझे ये बताओ कि आर वेक्टर, ये जरूरी थोड़ा कि यही होगा, आर वेक्टर ये भी हो सकता है, ये वेक्टर भी हो सकता है, ये भी, क्योंकि पार्टिकल ए से लेके बी तक कहीं भी ट्रेवल कर रहा है, जहां मर्जी आर वेक्टर ड्रॉ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर क्रॉस पी, ये मेरा आर है, ये मेरा पी है, आर क्रॉस पी, थम कहां आ रहा है, बोर्ड के अंदर, बोर्ड के अंदर कौन सा कैप होता है, नेगेटिव जेड एक्सिस, पीछे क्या लगेगा, माइनस के कैप, पहला आंसर आया है, पॉइंट समझ में आ रहा है, ये पहला आंसर है, कोई डाउट इसमें, ठीक है, डायरेक्शन क्लियर है, कोई भी मन में सोच लो, ये आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर बोर्ड के अंदर। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, इसको संभाल के रख लेना वैल्यू को। अब बात करते हैं बीसी की, तो एल वेक्टर निकालना है बीसी में, लीनियर मोमेंटम कितना है, ये रहा कितना, एम वी, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये बनेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस है कितना, आधा तो ए है, और आधा क्या बन जाएगा, आर कॉस आर बाय, नहीं ये आर है, तो कॉस 45 एक्स, हाँ आर, आर कॉस 45, ए प्लस आर कॉस 45, तो एम वी इंटू दिस डिस्टेंस। तो एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, एम वी इंटू ए प्लस आर इंटू कॉस ऑफ 45। डायरेक्शन के कैप। अच्छा, मन में काम करो, ये साइड है ना, अपने मन में आर वेक्टर ये ले लो, कुछ भी कहीं भी इसमें से क्रॉस होना चाहिए, आर क्रॉस पी, कैसे, बोर्ड के बाहर, बोर्ड के बाहर का मतलब कैप क्या आएगा, के कैप। समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक। नेक्स्ट, अब ये रहा आपका एम वी, नेक्स्ट एम वी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनेगा, आर कॉस 45, तो एम वी इंटू आर कॉस 45। डायरेक्शन बोलो, आर वेक्टर कुछ भी ये लो आर वेक्टर, पी वेक्टर नीचे है, ध्यान से, पी वेक्टर नीचे है, आर वेक्टर ये जा रहा है, बोलो आर क्रॉस पी, आर इधर है, पी नीचे है, थम कहां आएगा, बोर्ड के अंदर, माइनस के कैप, सही है। और उसी तरीके से अगर लास्ट हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया, बस तुम चार वैल्यूज लिख लेना एल वेक्टर की, फिर आई कैप, जे कैप में, के कैप में आया हुआ है, चारों को ऐड कर देना, अपने आप आंसर आ जाएगा, नेट में निकाल लेना, नेट में तो चारों को ऐड करना पड़ेगा, तो किसी में के आ रहा है, किसी में माइनस के, किसी में के, किसी में माइनस के, एडजस्ट हो जाएंगे वैल्यूज, अपने आप आंसर आएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या करना है, तो मेरे को पता नहीं यार आंसर, तो मैं तो मेथड बता सकता हूँ, ये लंबा मेथड है, तुम घर जाके आराम से ट्राई करना, बट आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट, सोचना कैसे है, असली जी तो यही है, सोचना कैसे है, क्योंकि जिसने करना है उसने घर जाके कर ही लेना है ना, उसको कैसे रोक के दिखाओगे, ठीक है। नेक्स्ट
ये नहीं करना, टॉपलिंग अभी हमने आज नहीं करनी. नेक्स्ट, हाँ ये भी यार कुछ ट्रिकी सी प्रॉब्लम है, देखना जरा क्या प्रॉब्लम है इसमें. यार क्या करना यार, इंटरेक्शन तो इसमें, इस क्वेश्चन में क्या करें? क्वेश्चन पढ़ लिया, कुछ आंसर, एक लाइन का आंसर है, कुछ ट्राई करके एक सेकंड में आंसर निकाल सकते हो, ट्राई कर ले. बड़ा आंसर नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है इसमें छोटा सा बस. आंसर तो एम वी आर है, वो मुझे पता है. पॉइंट मास घूमेगा तो एम वी आर ही लगेगा. आर क्या लेंगे, आर कितने मीटर लेंगे भैया बताओ, कितना? 0.8 ना, पॉइंट ना, कितना हुआ? 1. तो डायग्राम तो ऐसा बन गया. वो कह रहे हैं कि एक टेबल के ऊपर पॉइंट मास घूम रहे और एंगुलर मोमेंटम कहां निकालना है? टेबल के नीचे, ये पॉइंट है. अब एंगुलर मोमेंटम कैसे निकलेगा? वो कितने रेडियस में घूम रहे हैं? 0.6. और एंगुलर मोमेंटम बिल्कुल इसके नीचे निकालना है, 0.8 डिस्टेंस नीचे. अब देखो ना, मेरे को एंगुलर मोमेंटम इसके अबाउट निकालना है. तो मैं इस क्वेश्चन में लीनियर मोमेंटम कैसे लूंगा? टेंजेंशियल मानते हो एम वी, और मैं वी की जगह क्या ले सकता हूं? आर ओमेगा. वी की जगह आर ओमेगा, तो ये मेरे पास क्या आ गया? लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम आ गया. लीनियर मोमेंटम को ये डिस्टेंस पाइथागोरस से 1 आ गया. हमने एंगुलर मोमेंटम इसके अबाउट निकालना है, तो ये डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये डिस्टेंस कितना है? 1. तो मेरे पास मैग्नीट्यूड तो मुझे पता ही है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा. प्रॉब्लम वो नहीं है. कोई मुझे ये बताए, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस. और अगर मैं इस क्वेश्चन में लगाऊंगा तो ये मेरा लीनियर मोमेंटम है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 1. तो तुम्हें कैसे पता लगा ये परपेंडिकुलर है? मैं तो एंगल बना ही नहीं पा रहा इनके बीच में कितना है. ये लो, ये रहा आर वेक्टर 90 कैसे है. प्रॉब्लम तो ये है, 90 डिग्री कैसे है? ठीक है, हॉरिजॉन्टल है, मतलब हाँ ठीक है, आधा आंसर आपका गलत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल है. हाँ, क्योंकि दो प्लेन्स का फर्क है, ऐसे है प्लेन्स. आप इमेजिन करो बस, एक चीज का आंसर दो कि अगर आपको मान लो ये सामने दीवार दिख रही है, दीवार है, इस दीवार पे वो ट्यूब दिख रही है, वो सीधी ट्यूब है. वो ट्यूब ऐसी ना हो, ऐसी हो या ऐसी हो, लगी दीवार पे हो और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मेरा एंगल उस ट्यूब से क्या बनने वाला है? 90 भाई, क्योंकि मैं उस ट्यूब को टेढ़ा करूँ या जैसा भी करूँ, वो रहेगा तो उस प्लेन में ही, वेक्टर उस प्लेन में घूमेगा और मैं आउट ऑफ प्लेन हूँ. मैं उस प्लेन में नहीं हूँ कि मैं 2D में एंगल दिखाऊँ, लाइन खींच के देखा ये एंगल थीटा बन गया, ना, मैं तो आउट ऑफ प्लेन हूँ. हर हालत में वो प्लेन और इस प्लेन में एंगल क्या बनने वाला है? 90. एक वेक्टर इस प्लेन में है, एक वेक्टर इस प्लेन में है. अब वो टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है वो वेक्टर, उससे फर्क क्या पड़ रहा है? एक्चुअल में तो एंगल कितना है इसमें? 90. यही इसमें हो रहा है कि आपका पार्टिकल एम वी जैसे मर्जी घूमे, इस टेबल के ऊपर ही घूमेगा, लेकिन हमने डिस्टेंस क्या लिया? टेबल के परपेंडिकुलर. तो टेबल का परपेंडिकुलर और टेबल का सरफेस के बीच में हमेशा एंगल 90 जैसे मर्जी घुमा लो, इसलिए वो एंगल 90 है. हाँ, अलग बात है कि आप इसमें गलती कर सकते थे, एम वी इंटू 0.8 पुट करके, 0.6 पुट करके, पर आंसर एम वी इंटू 1. पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? ठीक. और नेक्स्ट, ये तो कमाल का ही क्वेश्चन है. ये लो ये क्वेश्चन, मतलब इसमें तो
वो यही एक्सपेक्ट भी कर रहा है कि बच्चा ज्योमेट्री भी बहुत बढ़िया करके आए, लो करो ज्योमेट्री और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन क्या है, मैथ और फिजिक्स में क्या कंबाइन होगा, इसे फिगर बना के दिखाओ पहले। हाँ तो लॉजिक क्या है पहले ये बताओ, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत बढ़िया है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सही है, यहाँ तक तो बिल्कुल सही कहानी है ना। ना निकालना क्या है, क्वेश्चन तो पढ़ना पड़ेगा, निकालना क्या है? इस क्वेश्चन में पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, देख रहे हो, विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी वी, ठीक है, वी सेम है, स्पीड सेम रहेगी। वो कह रहा है कि द सेंटर ऑफ द सर्कल सी है, एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम द ओरिजिन ओ कैन बी रिटन एज व्हाट, एंगुलर मोमेंटम निकालना है, पार्टिकल है कहाँ ये तो बता दो, कहीं भी एज्यूम करना पड़ेगा आपको पार्टिकल। तो जैसे मैं पार्टिकल को एज्यूम करता हूँ कि मेरा पार्टिकल चलो यहाँ पे है, मान लेता हूँ यहीं पे है, अगर मेरा पार्टिकल यहाँ पे है, या मेरा पार्टिकल चलो यहीं एज्यूम कर लो, ज़्यादा दूर भी क्यों जाना, यहाँ पे है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, इसका वी वेक्टर, सही। तो लीनियर मोमेंटम इसमें क्या आएगा, एम वी, मेरे को एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट निकालना है, अबाउट पॉइंट ओ, तो मैं क्या करूँ, लीनियर मोमेंटम एम वी को किससे, ये मान लो पॉइंट ए है, तो लीनियर मोमेंटम को इससे मल्टीप्लाई कर दूँ, हाँ या ना, लीनियर मोमेंटम को इससे मल्टीप्लाई करूँ, कितने लोग बोलते हैं हाँ, कितने बोलते हैं ना, क्यों मल्टीप्लाई करूँ, फॉर्मूला क्या है, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, कितने लोग मानते हैं कि ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब तुम ये मान रहे हो कि ये 90 डिग्री है, तो मतलब तुम प्रॉपर्टी खराब कर रहे हो मैथ्स की, क्योंकि ये तो रेडियस है ही नहीं, रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री पे होते हैं और ये रेडियस नहीं है, तुम्हारा एंगल 90 बन ही नहीं सकता, तुम्हारा एंगल इसके साथ तो 90 बन सकता है पर उसके साथ नहीं बन सकता, तो तुम्हारा वो, चलो एक मिनट, नहीं बन सकता, तो तुम कम से कम ये तो ना कहो कि सर एम वी को इससे मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, बिल्कुल भी नहीं है, सही है, ये पॉइंट क्लियर है। तो फिर क्या करें, इस क्वेश्चन करने के लिए जरा इस ज्योमेट्री को देख लें पहले, ठीक है, ये ज्योमेट्री ऐसी है, सबसे पहले आपने एक पार्टिकल लिया यहीं पे जहाँ पे वो पॉइंट एंड कर रहा है, ये रहा वी वेक्टर, ठीक है, अब ये वी वेक्टर और आपको इसके अबाउट एल निकालना है, वी वेक्टर और ये 90 डिग्री पे बिल्कुल भी नहीं है। अब आप एक काम करेंगे, सबसे पहले ये रेडियस कितना है ए, ये रेडियस कितना है ए, तो इसका मतलब अगर ये थीटा तो ये वाला एंगल भी क्या बनेगा थीटा, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ पर, ये रेड कलर का एंगल थीटा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, अगर ये वी वेक्टर है, वी वेक्टर इसके साथ 90 डिग्री पे बिल्कुल भी नहीं है और हमें एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए लीनियर मोमेंटम को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो एक काम करते हैं वी वेक्टर के कॉम्पोनेंट्स निकाल लेते हैं। कॉम्पोनेंट्स कैसे निकलेंगे, लेकिन कॉम्पोनेंट्स निकालने से पहले एक चीज़ का आंसर दें, वी वेक्टर ये जो ट्राइंगल की मैथ्स की प्रॉपर्टी है, ये डायमीटर है, ये डायमीटर ए पॉइंट पे टोटल एंगल कितना बनाएगा 90 बनाएगा, 90 में से टोटल 90 में से ये कितने रेड कलर का थीटा, तो बचा हुआ कितना है 90 माइनस थीटा, और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये और ये 90 डिग्री पे हैं, तो फिर बचा हुआ एंगल कितना आ गया थीटा, तो मैंने पहले प्रूव कर दिया कि ये एंगल भी एग्जैक्टली क्या है थीटा। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, तो अपनी मैथ्स को यूज करके पहले थीटा आ गया, अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इतना ही था क्वेश्चन। क्या है, अगर ये वी वेक्टर है और ये थीटा है, इसके दो कंपोनेंट्स हैं, वी कॉस थीटा वी साइन थीटा, वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं, एंगुलर मोमेंटम ओ के अबाउट निकालना है, ओ के अबाउट ये लाइन डिस्टेंस और मोमेंटम सेम डायरेक्शन में है, तो ये तो एंगुलर मोमेंटम जनरेट नहीं करेगा, आर पी साइन जीरो हो गया, आर और पी सेम डायरेक्शन में तो जीरो हो गया, छोड़ दे इसे, ये कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंगुलर मोमेंटम जनरेट नहीं करेगा, लेकिन ये वाला वेक्टर इसके साथ 90 डिग्री पे है, हाँ ये करेगा, तो आंसर क्या आएगा, इसका लीनियर मोमेंटम क्या है, एम वी कॉस थीटा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ओ ए से। अब ओ ए क्या होगा, ओ ए निकालने के लिए आप ये एक राइट एंगल ट्राइंगल लें जिसमें एंगल कितना है टोटल 90,
90, ये डिस्टेंस कितने है, ये वाला डिस्टेंस कितना है 2a, डायमीटर क्या है 2a, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, OA डिवाइडेड बाय 2a, OA डिवाइडेड बाय 2a, तो OA की वैल्यू कितनी है 2a कॉस थीटा, पुट कर दें, पुट करके आंसर आएगा एम वी कॉस थीटा इंटू 2a इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ से m इंटू वी इंटू 2 इंटू ए इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा, आंसर में कॉस स्क्वेयर थीटा है नहीं, हाँ तो कोई बात नहीं, मैथ सबको आता है, मेडिकल और एनसीईआरटी के लिए क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है कि कॉस स्क्वेयर थीटा को 1 प्लस कॉस 2 थीटा में कन्वर्ट कर देंगे, पर एक और प्रॉब्लम है इसमें, बोलो क्या, यहाँ तक तो ठीक है हो गया, पर आंसर ये है, मास दिया ही नहीं क्वेश्चन में, दिए दिए मन नहीं, यहाँ नहीं दिया सर, क्वेश्चन में मास दिया है नहीं दिया, कहता जी आंसर यूनिट मास के लिए है, अब एक बच्चा कहते हैं ना कि मास ना कि बनो तो मान ले लें, अब देखो इसका मेरा कोई आंसर नहीं है, अब वो यूनिट मास लेके अपना आंसर मार्क करे जा रहा है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अभी अप्रॉक्सीमेटली मार्क करेंगे, कर भी कर सकते हैं, इसमें मास सभी ऑप्शन में ही नहीं है, या तो मास दे देता फिर तो आंसर भी आता, तो ये प्रॉब्लम है, जो भी है प्रॉब्लम है सोल्यूशन है मैंने डिस्कस कर दिया, ये डाउट की फॉर्म में आने वाला क्वेश्चन हो सकता था तो मैंने यहाँ डिस्कस कर दिया, ठीक है ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो गई है, नहीं मैं देखो मैं नहीं लेता यूनिट मास अपनी मर्जी से, पर चार ऑप्शन में था नहीं तो उसने भी कहा यूनिट मास ले लो, ठीक मैंने भी पहली बार ही देखा है, ऐसा होता नहीं है नॉर्मली कि यूनिट मास ले लो, ये लो डराने का डायग्राम है, करने का नहीं है इसमें कुछ भी, आंसर इसका जीरो ही है क्योंकि वो कह रहा है लीनियर मोमेंटम ऐसे जा रहा है अलोंग पीसी और अबाउट पॉइंट पी है, तो डिस्टेंस भी पीसी की चल जाए, जब डिस्टेंस भी पीसी है लीनियर मोमेंटम भी पीसी है, आर और पी में एंगल जीरो है, आर पी साइन जीरो इज जीरो, कुछ ना एंगल मोमेंटम जीरो, ये है क्वेश्चन, तो ठीक चलो, तो जो हमने आज क्वेश्चन डिस्कस किए वो मेरे हिसाब से वो प्रॉब्लम्स हो सकती थी जो कहीं ना कहीं आप फंस सकते थे, इसके अलावा जो आपने होमवर्क करना है वो नोट करें, मेरे को ये शीट दे दें एक मिनट के, मैं आपको होमवर्क मार्क करवा रहा हूँ इसी शीट में से जो आपने मंडे तक करना है, मैं डाउट्स लूँगा, और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो ऐसे नहीं हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, वो नॉर्मल हैं, बहुत आसानी से हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं भी होंगे तो एटलीस्ट हम सॉल्व कर ही लेंगे, तो आप इसका एंगुलर मोमेंटम का पी वाई क्यू में से होमवर्क नोट करेंगे, इसमें क्वेश्चन नंबर 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 65, 66, 67, 68, 69, 70 रहने देना, 71 एनर्जी कंजर्वेशन पे है, 72, 173, 174 नहीं, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 190, 91, 92, 93, 94, 195, 196, 199, बस इतना कर लेना,